मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। कल माघ पूर्णिमा का पर्व था। माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माघे निमग्ना सलिले शुषिते विमुक्त पापा त्रिदिवं प्रयान्ति। अर्थात माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई न कोई परंपरा होती ही है। नदी तट पर अनेक सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं। हमारी संस्कृति क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है, इसलिए इसका विस्तार हमारे यहाँ और ज्यादा मिलता है। भारत में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब देश के किसी न किसी कोने में पानी से जुड़ा कोई उत्सव न हो। माघ के दिनों में तो लोग अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़कर पूरे महीने नदियों के किनारे कल्पवास करने जाते हैं। इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है। जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है, पारस के स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही पानी का स्पर्श जीवन के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। साथियों, माघ महीने को जल से जोड़ने का संभवतः एक और भी कारण है। इसके बाद से ही सर्दियां खत्म हो जाती हैं और गर्मियों के दस्तक होने लगती हैं। इसलिए पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। कुछ दिनों बाद मार्च महीने में ही 22 तारीख को वर्ल्ड वाटर डे भी है। मुझे यूपी की आराध्या जी ने लिखा है कि दुनिया में करोड़ों लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी को पूरा करने में ही लगा देते हैं। बिन पानी सब सून, ऐसे ही नहीं कहा गया है। पानी के संकट को हल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से सुजीत जी ने मुझे भेजा है। सुजीत जी ने लिखा है कि प्रकृति ने जल के रूप में हमें एक सामूहिक उपहार दिया है, इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक है। ये बात सही है। जैसे सामूहिक उपहार है, वैसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। सुजीत जी की बात बिल्कुल सही है। नदी, तालाब, झील, वर्षा या जमीन का पानी, ये सब हर किसी के लिए है। साथियों, एक समय था जब गांव में कुएं, पोखर, इनकी देखभाल सब मिलकर करते थे। अब ऐसा ही एक प्रयास तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में हो रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों ने अपने कुओं को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। ये लोग अपने इलाके में वर्षों से बंद पड़े सार्वजनिक कुओं को फिर से जीवित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अग्रोदा गांव की बबीता राजपूत जी भी जो कर रही है, उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो सूख गई थी। उन्होंने गांव की ही दूसरी महिलाओं को साथ लिया और झील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। इस नहर से बारिश का पानी सीधे झील में जाने लगा। अब ये झील पानी से भरी रहती है। साथियों, उत्तराखंड के बागेश्वर में रहने वाले जगदीश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है। जगदीश जी का गांव और आसपास का क्षेत्र पानी की जरूरतों के लिए एक प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर था, लेकिन कई साल पहले ये स्रोत सूख गया। इससे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया। जगदीश जी ने इस संकट का हल वृक्षारोपण से करने की ठानी। उन्हें पूरे इलाके में गांव के लोगों के साथ मिलकर हजारों पेड़ लगाए और आज उनके इलाके का
सूख चुका वो जलस्रोत फिर से भर गया है। साथियों, पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी से जुटेंगे, हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांवों में तालाबों में पोखरों की सफाई करवा लेंगे, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी माघ महीने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा होती है तो ये चर्चा एक नाम के बिना पूरी नहीं होती। ये नाम है संत रविदास जी का। माघ पूर्णिमा के दिन ही संत रविदास जी की जयंती होती है। आज भी संत रविदास जी के शब्द, उनका ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शन करता है। उन्होंने कहा था, एक ही माटी के सब भांडे, सबका एको सृजनहार। रविदास व्यापी एक ही घट भीतर, सबको एक ही घड़े कुम्हार। हम सभी एक ही मिट्टी के बर्तन हैं, हम सभी को एक ने ही घड़ा है। संत रविदास जी ने समाज में व्याप्त विकृतियों पर हमेशा खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने इन विकृतियों को समाज के सामने रखा, उसे सुधारने की राह दिखाई। और तभी तो मीरा जी ने कहा था, गुरु मिलिया रैदास, दीनी ज्ञान की घुटकी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ। संत रविदास जी के जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाई को और उनकी ऊर्जा को मैंने उस तीर्थ स्थल में अनुभव किया है। साथियों, रविदास जी कहते थे, कर्म बंधन में बंद रहियो, फल की नात जियो आस। कर्म मानुष का धर्म है, सत भाखे रविदास। अर्थात हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, फिर फल तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कर्म से सिद्धि तो होती ही होती है। हमारे युवाओं को एक और बात संत रविदास जी से जरूर सीखनी चाहिए। युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए। आप अपने जीवन को खुद ही तय करिए, अपने तौर तरीके भी खुद बनाइए और अपने लक्ष्य भी खुद ही तय करिए। अगर आपका विवेक, आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आपको दुनिया में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि कई बार हमारे युवा एक चली आ रही सोच के दबाव में वो काम नहीं कर पाते जो करना वाकई उन्हें पसंद होता है। इसलिए आपको कभी भी नया सोचने, नया करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसी तरह संत रविदास जी ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया है। ये संदेश है अपने पैरों पर खड़ा होना। हम अपने सपनों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो जैसा है वैसा चलता रहे, रविदास जी कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे। और आज हम देखते हैं कि देश का युवा भी इस सोच के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। आज जब मैं देश के युवाओं में इनोवेटिव स्पिरिट देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं पर संत रविदास जी को जरूर गर्व होता। मेरे प्यारे देशवासियों, आज नेशनल साइंस डे भी है। आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी द्वारा की गई रमन इफेक्ट खोज को समर्पित है। केरल से योगेश्वरन जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि रमन इफेक्ट की खोज ने
पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया था। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा संदेश मुझे नासिक के स्नेहिल जी ने भी भेजा है। स्नेहिल जी ने लिखा है कि हमारे देश के अनगिनत वैज्ञानिक हैं जिनके योगदान के बिना साइंस इतनी प्रगति नहीं कर सकती थी। हम जैसे दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं, वैसे ही हमें भारत के वैज्ञानिकों के बारे में भी जानना चाहिए। मैं भी मन की बात के इन श्रोताओं की बात से सहमत हूँ। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे युवा भारत के वैज्ञानिक इतिहास को, हमारे वैज्ञानिकों को जाने, समझे और खूब पढ़ें। साथियों, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है। हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेड्डी जी हैं। रेड्डी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां और उसके खतरों के बारे में बताया। रेड्डी जी किसान हैं, उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं चावल की ऐसी प्रजातियों को विकसित की जो खास तौर पर विटामिन डी से युक्त है। इसी महीने उन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से पेटेंट भी मिली है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि वेंकट रेड्डी जी को पिछले साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। ऐसे ही बहुत इनोवेटिव तरीके से लद्दाख के उर्गेन फुत्सोग भी काम कर रहे हैं। उर्गेन जी इतनी ऊंचाई पर ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके करीब 20 फसलें उगा रहे हैं, वो भी साइक्लिक तरीके से, यानी वो एक फसल के वेस्ट को दूसरी फसल में खाद के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। है ना कमाल की बात। इसी तरह गुजरात के पाटन जिले में कामराज भाई चौधरी ने घर में ही सहजन के अच्छे बीज विकसित किए हैं। सहजन को कुछ लोग सरगवा बोलते हैं, इसे मोरिंगा या ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। अच्छे बीजों की मदद से जो सहजन पैदा होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अपनी उपज को वो अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भेजकर अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। साथियों, आजकल चिया सीड्स का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे। हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े लोग इसे काफी महत्व देते हैं और दुनिया में इसकी बड़ी मांग भी है। भारत में इसे ज्यादातर बाहर से मंगाते हैं, लेकिन अब चिया सीड्स में आत्मनिर्भरता का बीड़ा भी लोग उठा रहे हैं। ऐसे ही यूपी के बाराबंकी में हरिश्चंद्र जी ने चिया सीड्स की खेती शुरू की है। चिया सीड्स की खेती उनकी आय भी बढ़ाएगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद भी करेगी। साथियों, एग्रीकल्चर वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने के भी कई प्रयोग देश भर में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। जैसे मदुरई के मुर्गेशन जी ने केले के वेस्ट से रस्सी बनाने की एक मशीन बनाई है। मुर्गेशन जी के इस इनोवेशन से पर्यावरण और गंदगी का भी समाधान होगा और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का रास्ता भी बनेगा। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को इतने सारे लोगों के बारे में बताने का मेरा मकसद यही है कि हम सभी इनसे प्रेरणा लें। जब देश का हर नागरिक अपने जीवन में विज्ञान का विस्तार करेगा, हर क्षेत्र में करेगा, तो प्रगति के रास्ते भी खुलेंगे और देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। और मुझे विश्वास है ये देश का हर नागरिक कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, कोलकाता के रंजन जी ने अपने पत्र में बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल पूछा है और साथ ही बेहतरीन तरीके से उसका जवाब भी देने की कोशिश की है। वे लिखते हैं कि जब हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ होता है। इसी सवाल के जवाब में उन्होंने खुद ही आगे लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल एक गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, बल्कि
एक नेशनल स्पिरिट है। वो मानते हैं कि आत्मनिर्भर होने का अर्थ है कि अपनी किस्मत का फैसला खुद करना, यानी स्वयं अपने भाग्य का नियंता होना। रंजन बाबू की बात 100% सही है। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहूंगा कि आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है, प्रत्येक देशवासी जुड़ता है, तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियां खाते देखते हैं, जब भारत में बने टैंक, भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं, जब समृद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेज देखते हैं, जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुंचते ही देखते हैं, तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि बड़ी बड़ी चीजें ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। भारत में बने कपड़े, भारत के टैलेंटेड कारीगरों द्वारा बनाया गया हैंडीक्राफ्ट का सामान, भारत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारत के मोबाइल, हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत का ये मंत्र देश के गांव-गांव में पहुंच रहा है। बिहार के बेतिया में यही हुआ है, जिसके बारे में मुझे मीडिया में पढ़ने को मिला। बेतिया के रहने वाले प्रमोद जी दिल्ली में एक टेक्नीशियन के रूप में एलईडी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। उन्होंने इस फैक्ट्री में कार्य करने के दौरान पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझा, लेकिन कोरोना के दौरान प्रमोद जी को अपने घर वापस लौटना पड़ा। आप जानते हैं, लौटने के बाद प्रमोद जी ने क्या किया, उन्होंने खुद एलईडी बल्ब बनाने की छोटी सी यूनिट शुरू कर दी। उन्होंने अपने क्षेत्र के कुछ युवाओं को साथ लिया और कुछ ही महीनों में फैक्ट्री वर्कर से लेकर फैक्ट्री ओनर बनने तक का सफर पूरा कर दिया, वह भी अपने ही घर में रहते हुए। एक और उदाहरण है यूपी के गढ़मुक्तेश्वर का। गढ़मुक्तेश्वर से श्रीमान संतोष जी ने लिखा है कि कैसे कोरोना काल में उन्होंने आपदा को अवसर में बदला। संतोष जी के पुरखे शानदार कारीगर थे, चटाई बनाने का काम करते थे। कोरोना के समय जब बाकी काम रुके, तो इन लोगों ने बड़ी ऊर्जा और उत्साह के साथ चटाई बनाई। उन्हें न केवल उत्तर प्रदेश भी चटाई के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। संतोष जी ने यह भी बताया है, इससे इस क्षेत्र की साथियों देश भर में से कई उदाहरण हैं जहां लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरह आम जनों के दिलों में प्रवाहित हो रहा है। मेरे प्यारे देश जी ने लिखा है कि मैं तो हरियाणा में रहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप असम के लोगों और विशेष रूप से काजीरंगा के लोगों की चर्चा करें। मुझे लगा कि मयूर जी राइनोज के बारे में बात करेंगे, जिन्हें वहां का गौरव कहा जाता है, लेकिन मयूर जी ने काजीरंगा में वॉटरफॉल्स की संख्या में हुई बढ़ोतरी को लेकर असम के लोगों की सराहना के लिए कहा है। मैं ढूंढ रहा था कि हम वॉटरफॉल्स को साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं, तो एक शब्द मिला, जल पक्षी। ऐसे पक्षी जिनका बसेरा पेड़ों पर नहीं
पानी पर होता है, जैसे बतख वगैरह। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व अथॉरिटी कुछ समय से एनुअल वाटरफाउल सेंसस करती आ रही है। इस सेंसस से जल पक्षियों की संख्या का पता चलता है और उनके पसंदीदा हैबिटेट की जानकारी मिलती है। अभी 2-3 सप्ताह पहले ही सर्वे फिर हुआ है। आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि इस बार जल पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 175% ज्यादा आई है। इस सेंसस के दौरान काजीरंगा नेशनल पार्क में बर्ड्स की कुल 112 स्पेसीज को देखा गया है। इनमें से 58 स्पेसीज यूरोप, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए विंटर माइग्रेंट्स हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ बेहतर वाटर कंजर्वेशन होने के साथ ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है। वैसे कुछ मामलों में पॉजिटिव ह्यूमन इंटरफेरेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। असम के श्री जादव पायेंग को ही देख लीजिए, आप में से कुछ लोग उनके बारे में जरूर जानते होंगे। अपने कार्यों के लिए उन्हें पद्म सम्मान मिला है। श्री जादव पायेंग वो शख्स हैं जिन्होंने असम में मजुली आइलैंड में करीब 300 हेक्टर प्लांटेशन में अपना सक्रिय योगदान दिया है। वे वन संरक्षण के लिए काम करते रहे हैं और लोगों को प्लांटेशन एवं बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन को लेकर प्रेरित करने में भी जुटे हुए हैं। साथियों, असम में हमारे मंदिर भी प्रकृति के संरक्षण में अपनी अलग ही भूमिका निभा रहे हैं। यदि आप हमारे मंदिरों को देखेंगे तो पाएंगे कि हर मंदिर के पास तालाब होता है। हजो स्थित हयाग्रीव मधेब मंदिर, सोनितपुर के नागशंकर मंदिर और गुवाहाटी में स्थित उग्रतारा टेंपल के पास इस प्रकार के कई तालाब हैं। इनका उपयोग विलुप्त होते कछुओं की प्रजातियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। असम में कछुओं की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। मंदिरों के ये तालाब कछुओं के संरक्षण, प्रजनन और उनके बारे में प्रशिक्षण के लिए एक बेहतरीन स्थल बन सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ लोग समझते हैं कि इनोवेशन करने के लिए आपका साइंटिस्ट होना जरूरी है। कुछ सोचते हैं कि दूसरों को कुछ सिखाने के लिए आपका टीचर होना जरूरी है। इस सोच को चुनौती देने वाले व्यक्ति हमेशा सराहनीय होते हैं। अब जैसे क्या कोई किसी को सोल्जर बनने के लिए प्रशिक्षित करता है तो क्या उसको सैनिक होना जरूरी है? आप सोच रहे होंगे कि हाँ जरूरी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। माई गॉव पर कमलकांत जी ने मीडिया की एक रिपोर्ट साझा की है जो कुछ अलग बात कहती है। ओडिशा में अराखुड़ा में एक सज्जन है नायक सर। वैसे तो इनका नाम सिलू नायक है, पर सब उन्हें नायक सर ही बुलाते हैं। दरअसल वे मैन ऑन अ मिशन है। वह उन युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षित करते हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं। नायक सर के ऑर्गेनाइजेशन का नाम महागुरु बटालियन है। इसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर इंटरव्यूज तक और राइटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक इन सभी पहलुओं के बारे में बताया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया है, उन्होंने थल सेना, जल सेना, वायु सेना, CRPF, BSF ऐसे यूनिफॉर्म फोर्सेस में अपनी जगह बनाई है। वैसे आप ये जानकर भी आश्चर्य से भर जाएंगे कि सिलू नायक जी ने खुद ओडिशा पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बावजूद उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दम पर अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा के योग्य बनाया है। आइए हम सब मिलकर नायक सर को शुभकामना दें कि वह हमारे देश के लिए और अधिक नायकों को तैयार करें। साथियों,
कभी कभी बहुत छोटा और साधारण सा सवाल भी मन को झकझोर जाता है। ये सवाल लंबे नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, फिर भी वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पीएम है, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया, मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है। भारत ऐसी अनेक भाषाओं की स्थली है जो हमारी संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। भाषा के बारे में बात करते हुए मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग क्लिप आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। भवताम सर्वेषाम हार्दम हार्दम स्वागतम अस्ते एकता मूर्तियाः दक्षिणतः सातपुला पर्वतमाला अस्ति एकता मूर्तियाः वामतः विध्याचल पर्वतमाला अस्ति एकता मूर्तियाः नर्मदा नदीस्य उपरी भागे वर्तते अहम् एकता मूर्तियाः कार्यकर्ता अस्ति सरदार वल्लभ भाई पटेलः लोह पुरुषः इति उच्यते। दरअसल अभी जो आप सुन रहे थे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक गाइड संस्कृत में लोगों को सरदार पटेल की दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में बता रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि केवड़िया में 15 से ज्यादा गाइड धारा प्रवाह संस्कृत में लोगों को गाइड करते हैं। अब मैं आपको एक और आवाज सुनवाता हूँ। आप भी इसे सुनकर हैरान हो गए होंगे। दरअसल यह संस्कृत में की जा रही क्रिकेट कमेंट्री है। वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालयों के बीच एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। ये महाविद्यालय है शास्त्रार्थ महाविद्यालय, स्वामी वेदांति वेद विद्यापीठ, श्री ब्रह्मवेद विद्यालय और इंटरनेशनल चंद्रमौली चैरिटेबल ट्रस्ट। इस टूर्नामेंट के मैचों के दौरान कमेंट्री संस्कृत में भी की जाती है। अभी मैंने उस कमेंट्री का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा आपको सुनाया। यही नहीं, इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी और कमेंटेटर पारंपरिक परिधान में नजर आते हैं। यदि आपको एनर्जी, एक्साइटमेंट, सस्पेंस सब कुछ एक साथ चाहिए तो आपको खेलों की कमेंट्री सुननी चाहिए। टीवी आने से बहुत पहले स्पोर्ट्स कमेंट्री ही वो माध्यम थी जिसके जरिए क्रिकेट और हॉकी जैसे खेलों का रोमांच देश भर के लोग महसूस करते थे। टेनिस और फुटबॉल मैचों की कमेंट्री भी बहुत अच्छी तरह से पेश की जाती हैं। हमने देखा है कि जिन खेलों में कमेंट्री समृद्ध है उनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता है। हमारे यहाँ भी बहुत से भारतीय खेल हैं लेकिन उनमें कमेंट्री कल्चर नहीं आया है और इस वजह से वो लुप्त होने की स्थिति में है। मेरे मन में एक विचार है, क्यों न अलग अलग स्पोर्ट्स और विशेषकर भारतीय खेलों की अच्छी कमेंट्री अधिक से अधिक भाषाओं में हो। हमें इसे प्रोत्साहित करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। मैं खेल मंत्रालय और प्राइवेट संस्थान के सहयोगियों से इस बारे में सोचने का आग्रह करूंगा। मेरे प्यारे युवा साथियों, आने वाले कुछ महीने आप सबके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। अधिकतर युवा साथियों के एग्जाम्स परीक्षाएं होगी। आप सबको याद है ना, वॉरियर बनना है
वरियर नहीं। हंसते हुए एग्जाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं, अपने आप से ही स्पर्धा करनी है। पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। खेलना भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो खेले वो खिले। रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं। यानी कुल मिलाकर इन एग्जाम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है। आप सोच रहे होंगे यह सब होगा कैसे। हम सब मिलकर यह करने वाले हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब करेंगे परीक्षा पे चर्चा। लेकिन मार्च में होने वाली परीक्षा पे चर्चा से पहले मेरी आप सभी एग्जाम वॉरियर से, पेरेंट्स से और टीचर से रिक्वेस्ट है कि अपने अनुभव, अपने टिप्स जरूर शेयर करें। आप माई गॉव पर शेयर कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी ऐप पर शेयर कर सकते हैं। इस बार की परीक्षा पे चर्चा में युवाओं के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स भी आमंत्रित है। कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे प्राइज जीतने हैं, कैसे मेरे साथ डिस्कशन का अवसर पाना है, यह सारी जानकारियां आपको माई गॉव पर मिलेगी। अब तक 1,00,000 से अधिक विद्यार्थी, करीब 40,000 पेरेंट्स और तकरीबन 10,000 टीचर भाग ले चुके हैं। आप भी आज ही पार्टिसिपेट कीजिए। इस कोरोना के समय में मैंने कुछ समय निकालकर एग्जाम वॉरियर बुक में भी कई नए मंत्र जोड़ दिए हैं। अब इसमें पेरेंट्स के लिए भी कुछ मंत्र ऐड किए गए हैं। इन मंत्रों से जुड़ी ढेर सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज नरेंद्र मोदी ऐप पर दी हुई है, जो आपके अंदर के एग्जाम वॉरियर को इग्नाइट करने में मदद करेगी। आप इनको जरूर ट्राई करके देखिए। सभी युवा साथियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मार्च का महीना हमारे फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना भी होता है, इसलिए आप में से बहुत से लोगों के लिए काफी व्यस्तता भी रहेगी। अब जिस तरह से देश में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, उससे हमारे व्यापारी और उद्यमी साथियों की व्यस्तता भी बहुत बढ़ रही है। इन सारे कार्यों के बीच हमें कोरोना से सावधानी कम नहीं करनी है। आप सब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे तो देश तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी को त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं, साथ साथ कोरोना के संबंध में जो भी नियमों का पालन करना है उसमें कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।